हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, तो हम भी बहुत अच्छे हैं। और अगला केमिकल काइनेटिक्स का आपका अगला लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले हमने 5 लेक्चर बना दिया है केमिकल काइनेटिक्स का, और ये है 06। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा लंबा लेक्चर देखा होगा और आप देख लेना, तो आज लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है? इसके बाद हम आपको देंगे असाइनमेंट और उसके बाद होगा टेस्ट, ठीक है बच्चों? तो केमिकल काइनेटिक्स खत्म करते हैं फटाफट। तो अभी तक हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा दिया? हमने पढ़ा दिया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर रेट लॉ पढ़ा दिए, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर मॉलिकुलरिटी, फिर आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, nth ऑर्डर का, सबका, और हाफ लाइफ, ठीक है? इतनी सारी बातें हो गई हैं और सारे न्यूमेरिकल भी हमने करा दिया है, बहुत अच्छे अच्छे वाले, ठीक है? अभी के लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस, आरहेनियस इक्वेशन। तो चलिए चालू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, ठीक है? फटाफट चालू करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबको पता होगा, सबको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन बढ़ेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चीज हमें आपको फैक्टर में भी पढ़ाया था, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट? के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, उसका पावर ऑर्डर होता है। तो अगर अगर रेट इंक्रीज होगा देन के भी इंक्रीज होगा ना। देखो, रेट बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, यानी यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट और के, रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, रेट भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। देखो, रेट कांस्टेंट हमने बोला था चेंज नहीं होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे बदलता है। तो यहां पे नोट में लिखेंगे क्या, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ये एक ऐसा कैलकुलेशन कर किया गया है, ठीक है? तो ऑन, ध्यान सुनो, इफ इफ टेम्परेचर राइजेस टू बाय 10 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा देखो, ऐसा अगर टेम्परेचर टी से टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर टेम्परेचर टी से टी प्लस 10 हो गया तो के 2K हो जाएगा, समझा? तो 10 डिग्री राइज के बिकम डबल। सबको समझ में आ गया? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, ये बात तो हम जान रहे थे, बट रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ये नहीं जान रहे थे, तो ये अभी जानो। अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बताया था, आरहेनियस इक्वेशन। आरहेनियस नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बनाया था जिससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, ठीक है? तो दिस इक्वेशन सो दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन के इंक्रीजेस। क्या इक्वेशन था? तो के इक्वल टू, के का ही वैल्यू था, ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ध्यान से समझेंगे, ये आरहेनियस इक्वेशन है, ये आरहेनियस इक्वेशन है। कहां से आ गया हम थोड़ी देर में सब बताएंगे, ध्यान से देखेंगे ये बात को। अब यहां पर देखो, यहां पर के इक्वल टू ए, ये माइनस है तो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे लिखेंगे ई का पावर माइनस प्लस ई ए अपॉन आर टी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर 1/T है, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये 1/ वाला फ्रैक्शन कम होगा, ये कम होगा तो ये फ्रैक्शन नीचे वाला कम होगा, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा,
समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। तो के भी बढ़ेगा, के का वैल्यू भी बढ़ेगा। नहीं समझा, देखो यहां पर वन अपॉन टी है, वन अपॉन टी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, डिक्रीज, क्योंकि डिवाइड में है। जब ये डिक्रीज होगा तो ई का पावर भी डिक्रीज होगा, तो डिनोमिनेटर घटेगा। डिनोमिनेटर घटने से के पे क्या फर्क पड़ता है बताओ, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो के बढ़ाना, समझ में आ गया? नहीं समझा, फिर से देखो। टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, नोट करो, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ। तो ये ए अपॉन ई का पावर भी डिक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, तो न्यूमिनेटर बढ़ा गया। ठीक है, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस ने इक्वेशन बनाया था। इसमें किसका क्या मतलब है उसको हम लोग समझते हैं, मिटा दिए। देखिए इसमें किसका क्या मतलब है ये समझेंगे। तो इसमें के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, सबको पता है। ए को बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, या कोई कोई इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। उसके बाद ई ए, देखो ई फॉर एनर्जी, ई ए फॉर एक्टिवेशन, एक नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हम बताएंगे क्या होता है। और आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में, और स्मॉल ई क्या है तो मैथ में तुमने पढ़ा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूलर्स नंबर है, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके। तो ये है आर्हेनियस इक्वेशन। अब सवाल है ये आया कहां से, अब सवाल है ये आया कहां से। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे। देखो इस पूरे चैप्टर में कोलिजन थ्योरी की बहुत बात की गई है, क्योंकि पूरा चैप्टर कोलिजन थ्योरी से ही बना है, पूरा चैप्टर कोलिजन थ्योरी से ही बना है। आपने नोट कर लिया होगा, तो अभी देखिए आगे बढ़ते हम, तो हम लोग थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी पे चलेंगे, बीच में ऐसे चर्चा कर रहे हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अभी हम लास्ट में पढ़ाएंगे कोलिजन थ्योरी अच्छे से। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान समझना क्या बोलता है थ्योरी, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सुन लेते हैं क्योंकि लास्ट में हम अच्छे से लिखा के पढ़ाएंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जितना भी कोलिजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, और एक होता है इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलेंगे, वैसा कोलिजन जो प्रोडक्ट बना दे, वैसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट टकराए और प्रोडक्ट बन जाए, वैसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्टेंट टकराए और प्रोडक्ट बन जाए उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। और जिसमें प्रोडक्ट नहीं बने, टकरा रहा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बने, उसको इनइफेक्टिव। अब होता क्या है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा टकरा के खुद का एनर्जी को बढ़ाते हैं। जब रिएक्शन होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में से टकराते हैं और खुद का एनर्जी बढ़ाते हैं, अपना एनर्जी वो बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी जब सफिशियंट हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तब वो काम बदल जाएंगे प्रोडक्ट में, काम बदल जाएंगे बच्चों प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड होना पड़ेगा, और कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, आई क्या समझ में? और कैसा कोलिजन, कोलिजन में उन्होंने एक नाम दिया इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, कोलिजन इफेक्टिव होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है एनर्जी पर और दूसरा है ओरिएंटेशन, एक है एनर्जी और दूसरा ओरिएंटेशन। मतलब अगर उनका एनर्जी सफिशियंट होगा जितना प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और ओरिएंटेशन यानी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी सही होगा तभी वो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग और डिटेल में, बट अभी थोड़ा सा सुनना है। अब थोड़ा सा हम आपको एक ग्राफ बताने वाले हैं, ध्यान दें, एक ग्राफ बताएंगे तो आपको ये क्लियर होगा थोड़ा सा। तो हम ग्राफ बना रहे हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एनर्जी और उसके बाद इधर प्रोसेस,
देखो यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी है, इतना एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से है, इतना एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से है, ठीक है। दुनिया में हर चीज के पास एनर्जी होता है, बिना एनर्जी का कोई होता नहीं है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से इतना एनर्जी है। उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल ले लो, H2+I2 gives 2HI, पढ़े रिएक्शन पढ़े, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ध्यान समझेंगे, HH, और आयोडीन मॉलिक्यूल है II, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे हैं, टन इसके मॉलिक्यूल। अब रिएक्टेंट का एनर्जी है इतना, और प्रोडक्ट बनने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रीसोल्ड एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं बच्चों, थ्रीसोल्ड एनर्जी। तो व्हाट इज थ्रीसोल्ड एनर्जी, ये थ्रीसोल्ड एनर्जी का लाइन है, थ्रीसोल्ड एनर्जी मतलब एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा टकरा के अपना एनर्जी बढ़ाते हैं, और क्या बनने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट बनने की, क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट बनने की। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप उससे कनेक्ट करना, मतलब एक बच्चा है जो आर्मी में सिलेक्शन चाहता है, डिफेंस में, ठीक है। तो डिफेंस की कैटेगरी है, क्राइटेरिया है कि आपको डेढ़ किलोमीटर का रहना 5 मिनट में कंप्लीट करना, ऐसा कुछ है साहब, यानी 5 मिनट में, ध्यान सुनेंगे, 5 मिनट में वो 1.5 किलोमीटर भाग गया अगर, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा आर्मी में, समझ में आ रहा है एग्जांपल, अगर नहीं भागा तो नहीं होगा सिलेक्ट। तो करता क्या है बच्चा, प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, डेली प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस कर करके अपना क्या बढ़ाता है, ये रनिंग स्पीड बढ़ाता है, टाइम बढ़ाता है, मतलब टाइम कम लगाता है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उसको प्रोडक्ट बनने के लिए इतना कम से कम एनर्जी चाहिए, एक खास एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जितना चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, और उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रीसोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रीसोल्ड एनर्जी। तो थ्रीसोल्ड एनर्जी एक नाम आया है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लें, द थ्रीसोल्ड एनर्जी। तो क्या है थ्रीसोल्ड एनर्जी भाई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इंटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रीसोल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड थ्रीसोल्ड एनर्जी, ठीक है। यानी कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को होना चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, देखो कम से कम इस लड़के को 5 मिनट, उससे कम में चला गया तो अच्छी बात है, लेकिन 5 मिनट कम से कम उसको 1.5 किलोमीटर भागना पड़ेगा, ये बैरियर है इसका, 5 मिनट होना चाहिए। उसी तरह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को भी इतना एनर्जी बनाना पड़ेगा, मान लो ये 100 जूल है, तो वहां तक एनर्जी पहुंचाना पड़ेगा, तभी वो रिएक्टेंट क्या बन सकता, प्रोडक्ट। तो इसी की बात कर रहे थे हम, एनर्जी बैरियर यानी कोलिजन। मान लो पूरी कहानी समझो, ये हाइड्रोजन आयोडीन टकराया, पहली बार हाइड्रोजन फर्स्ट और हाइड्रोजन और आयोडीन टकराया, तो क्या वो टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा, तो नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि अभी हाइड्रोजन और आयोडीन का एनर्जी कम है। अब क्या करेंगे, ये टकरा टकरा के कोलाइड एनर्जी बढ़ा रहे अपना, जैसे ही बढ़ते 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 एनर्जी थ्रीसोल्ड पे पहुंचा, मान लो 99 बार टक्कर हुआ लेकिन एनर्जी कम है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जैसे एनर्जी यहां तक पहुंच गया है, एनर्जी थ्रीसोल्ड पहुंच गया, अब टकराएगा, टन प्रोडक्ट बन जाएगा, जुड़ा ही रह जाएगा, निकलेगा ही नहीं, समझा। जिस वक्त इनका एनर्जी इस लेवल के बराबर हो जाएगा, उस वक्त अगर वो टकराया, कोलाइड किया, तो वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपना एनर्जी बढ़ाते हैं, ये देखो ग्राफ से बता रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंचे, यहां पर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहुंचता है तो उसका बहुत हाई एनर्जी हो जाता है, इस हाई एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी मिला, जो जो मिल रहा है डिफाइन करते चलो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं,
क्या बोलते हो बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तो क्या बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? व्हेन व्हेन द एनर्जी ऑफ व्हेन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम मैक्सिमम, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, देन इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ठीक है, विच इज हाईली अनस्टेबल, विच इज हाईली अनस्टेबल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से सुनेंगे एग्जाम्पल। जैसे ये था मेरे पास H2 प्लस आई टू गिव्स 2HI। इसी एग्जाम्पल से पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये है HH और ये है II। ये दोनों टकराएंगे, टकरा रहे, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जब इसका एनर्जी थ्रीसोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया और ये टकराया तो ये चिपका रह जाएगा ऐसे। ध्यान से समझना। अब क्या होगा कि आई एच और आई से बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहां भी एच और आई के बीच बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये भी बॉन्ड अभी है, टूटा नहीं है। पहले क्या था? एच एच में बॉन्ड था, आई आई में बॉन्ड था, पूरा पक्का वाला, ये पक्का बॉन्ड था। जब ये एनर्जी थ्रीसोल्ड होकर टकराएंगे उस वक्त यहां एनर्जी बॉन्ड बनने लगेगा और ये टूटने लगेगा। इस वक्त देखो ये बहुत सारा बॉन्ड बना चुका है, इधर भी टूटा नहीं है, इधर भी बन गया। इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। सुने होंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाई, वेरी हाई एनर्जी, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, प्रोडक्ट नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल है तुरंत टूट के प्रोडक्ट बनेगा और यही टूट के प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, एच और आई, एच और आई। समझ गया? समझ गया? क्या समझा? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी एक स्टेप होता है, उसका नाम है इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है? वो बहुत हाई एनर्जी के वक्त बनता है, मतलब रिएक्टेंट जब एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते सबसे ज्यादा कर लिया, उस वक्त वो जो एक स्टेज का निर्माण हुआ, एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का कुछ फॉर्म हुआ, उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और हाईली अनस्टेबल, ये तुरंत टूट के प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी अपना घटाएगा, ये हो गया प्रोडक्ट। तो यह हो गया प्रोडक्ट का एनर्जी और ये हो गया रिएक्टेंट का एनर्जी, ध्यान समझो। और इनके बीच में जो एनर्जी आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी था, प्रोडक्ट के पास उससे कम है, तो एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ। एनर्जी क्या हुआ बच्चों? रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक। अगर ये इंडोथर्मिक होता तो ये प्रोडक्ट थोड़ा ऊपर ही टिंग जाता। समझ में आ गया होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चलो तो पूरी बातें आपको हमने समझा दिया है, फिर से एक बार कहानी सुनना चाहेंगे क्या? तो फिर से सुन लो, फिर से एक बार लास्ट बार सुन ले। क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होता है, थोड़ा सा, पहले से जीरो एनर्जी किसी भी चीज के पास नहीं होता इस दुनिया में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा टकरा के कोलाइड करके अपने एनर्जी को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बनना चाहते हैं तो उनको इस एनर्जी को पार करना होगा, एक बैरिकेड है उसको पार करना होगा, एनर्जी बैरियर है। अगर उसको वो पार कर जाएंगे तभी वो प्रोडक्ट बनेंगे। यानी क्या नाम है एनर्जी बैरियर का? थ्रीसोल्ड एनर्जी। यानी अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है तो उसको पक्का थ्रीसोल्ड एनर्जी क्रॉस करना होगा। कैसे क्रॉस करेंगे? तो टकरा टकरा के अपना एनर्जी बढ़ाएंगे, बढ़ते बढ़ते जैसा उसका थ्रीसोल्ड एनर्जी हो जाएगा और जब वो टकराएगा तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। बट यहां पर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएंगे थ्रीसोल्ड एनर्जी पे तो एक एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, वो रिएक्टेंट भी नहीं होगा, प्रोडक्ट भी नहीं होगा, उसके बीच का कुछ होगा, उसका नाम है इंटरमीडिएट।
और इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी। सबने पढ़ा है केमिस्ट्री में, हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल। तो यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो ये कम स्टेबल होगा। अब वो तुरंत टूट के मतलब स्टेबल होना चाहेगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पक्का बॉन्ड बन जाएगा, समझा। एच और एच का बॉन्ड पूरा तोड़ लेगा। अभी क्या है, अभी एच और एच में भी बॉन्ड है, एच और आई में भी है, इधर भी पकड़ लिया, इधर भी छोड़ा नहीं जा रहा है, बराबर है ना। मम्मी का प्यार नहीं जा रहा, ससुराल में भी मन लग रहा है, भाई एक तो तोड़ना पड़ेगा, एक तो तोड़ना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड वो तोड़ेगा, वो तब वो प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है इससे, समझ में आ रहा है। अब रिएक्टेंट यहां के एनर्जी से चला था, प्रोडक्ट यहां बन गया, बीच में कुछ एनर्जी निकला, उसको क्या नाम है, डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज और ध्यान से देखो, एक्टिवेट वर्ड का क्या मतलब होता है, एक्टिवेट मतलब जागरूक करना, बॉम एक्टिवेट होता है। तो देखो रिएक्टेंट के पास पहले से इतना एनर्जी था, तुमने बाहर से इतना ही दिया ना एनर्जी, समझा नहीं समझा, फील करते हैं अपन। देखो इसको थोड़ा मिटा के फील कराते हैं, देखो इतनी बातें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा तुमको। देखो ये जीरो एनर्जी है मान लो, और ये 10 है, और ये 100 है, 100 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हाइट कितना, 100। तो हमने अभी बोला इसको कि 100 थ्रीसोल्ड एनर्जी है। व्हाट इज थ्रीसोल्ड एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को लाना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के लिए। तो रिएक्टेंट को 100 लाना है प्रोडक्ट बनने के लिए, तो क्या रिएक्टेंट को 100 बाहर से लगेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट के पास पहले से 10 है, रिएक्टेंट के पास और कितना लगेगा, 90 ही लगेगा, समझा। अगर जीरो से नापेंगे एनर्जी कितना प्रोडक्ट के लिए बनने के लिए, तो थ्रीसोल्ड। अगर हम रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी पहले से है उससे नापेंगे थ्रीसोल्ड को, तो उसका नाम दिया एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम दिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। तो इसको सुनेंगे क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन, एक वर्ड अलग है, एक वर्ड अलग है। इसमें बोले थे द मिनिमम एनर्जी, इसमें बोलेंगे द एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी, और जितना एक्स्ट्रा चाहिए। देखो यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो एनर्जी लगा जाने में, उसको बोलेंगे ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, बॉम है हम इतना एनर्जी देके एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स समझ में आया था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, सब उसी का नाम है। मतलब इसका हम फार्मूला बना सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, देखो यहां से यहां तक टोटल 100, उसमें से इसको माइनस कर दो, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, थ्रीसोल्ड एनर्जी बराबर यहां से यहां तक थ्रीसोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी डेफिनेशन बना सकते हो तुम, द डिफरेंस ऑफ थ्रीसोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आप ध्यान से सुनेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैसे। तो थोड़ा ग्राफ हम दो ग्राफ बनाते हैं, इसको समझना। तो यहां पर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनने का लेवल है थ्रीसोल्ड, और इस ग्राफ में भी यही लेवल है। अब देखो यहां पर पहले से रिएक्टेंट है और इसको प्रोडक्ट बनना है, इसमें रिएक्टेंट यहां पर है, पहले से रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है पहले से। तो देखो इसमें रिएक्टेंट को इतना एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के लिए, समझ रहा है। तो यहां से यहां तक जो एनर्जी लगा बीच में, वो एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें पहले से वो यहां पे है तो थोड़ा सा ही बढ़ाना है प्रोडक्ट बन जाएगा वो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तुम सोच के बताओ कौन सा रिएक्शन जल्दी होगा,
तो इसमें इतना एनर्जी देना है और इसमें थोड़ा सा एनर्जी देना है, कौन जल्दी एनर्जी बना लेगा? देना नहीं, अपने को नहीं देना, वो खुद बना लेगा टकरा टकरा के। बताओ कौन फास्ट होगा? तो कम एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद रखना, लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स, लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समझ रहा है? ये देखो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ गया, रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ गया तो कम ही एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन, थ्रेशोल्ड वही है, समझ रहा है? ये बैरिकेड पे पार करना है, तुम्हारे पास पहले से ज्यादा एनर्जी है तो थोड़ा सा और चाहिए, तो जल्दी से मिल जाएगा। और अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, हाई एक्टिवेशन एनर्जी हुआ तो स्लो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, यानी किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड ईए पे डिसाइड होता है, अगर ईए बढ़ेगा तो एक स्पीड घट जाएगा, उल्टा है, ठीक है? तो याद रखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/ईए हो गया ना, बराबर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट घट जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? ओके ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हम उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब आरहेनियस इक्वेशन में हमको वापस चलना पड़ेगा और फिर से कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो हम आरहेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करने के लिए एक एक टर्म इतनी सारी बातें बताना पड़ रहा है, इसीलिए ये लेक्चर लंबा होने का टेंशन रहता है, बहुत कुछ इसमें समझाना पड़ता है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसी लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखेगा, आने लगेगा, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमने आपको आरहेनियस इक्वेशन पढ़ाया था, के इक्वल टू ए और ई और ई ए का पावर आर टी। अब तो आपको पूरा फील हो रहा होगा, अब तो आपको पूरा फील हो रहा होगा के क्या है, सब बता दिया हमने, सारे चीजें एक्सप्लेन कर दिए इसमें। अब एक चीज बचा है ए, उसके बाद भी हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वो कांस्टेंट है, उसकी भी बात करेंगे। अब एक चीज और समझेंगे हम लोग, एक ग्राफ है, यह इक्वेशन कहां से है इसको समझने के लिए ग्राफ समझना पड़ेगा। ये ग्राफ है, आपको इधर लेना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, y एक्सिस पे लेना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इस पे लेना है काइनेटिक एनर्जी, वही जो एनर्जी बढ़ता है उनका। तो ऐसा देखा गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराते हैं, टकरा टकरा के अपना एनर्जी ऐसे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते वो क्या बन जाते हैं, वो हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, और बनने के बाद वो ऐसा एनर्जी अपना घटा के प्रोडक्ट बन जाते हैं। यहां पर हमने, यहां पर एक एनर्जी लिख लो जो कि ईए है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतने रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर चुके हैं, ठीक है? ये ग्राफ क्या बता रहा है, ध्यान सुनो, जैसे ये एनर्जी है इधर, इधर एक्स एक्सिस पे क्या एनर्जी, तो एनर्जी का एक वैल्यू होगा ना, मान लो ईए, यहां तक एनर्जी आ गया तो हम उसको ईए बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया उसको। तो यहां पे जो दिखा रहा है ये बता रहा है मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन हैविंग एनर्जी मोर देन ईए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले इतने फ्रैक्शन है। ये टी टेम्परेचर पे ग्राफ है, टी। अब हमने तुमको पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, पढ़ाए थे, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, ये ग्राफ को समझो, ये ग्राफ का ऐसा हाइट कम हो गया लेकिन ऐसे एरिया बढ़ेगा, अब देखो, अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया, ये कलर किया हमने, ये है ग्राफ टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन ईए, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, यानी तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तो क्या हो रहा है,
तो टी डिग्री सेल्सियस पे तुमने ग्राफ देखा और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ देखे, दो टेम्परेचर पर ग्राफ देखे, क्या अंतर है? तो ध्यान सुनना, टी डिग्री पे ग्राफ का हाइट ज्यादा है, इस हाइट को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इस हाइट को? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये जो हाइट है ना, पीक वैल्यू, पीक बोलते हैं, ये बताता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या? ज्यादातर लोगों का काइनेटिक एनर्जी, ज्यादातर लोगों का काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, इसका ये मतलब है। तो देखो, ये ग्राफ का हाइट कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ाए तो ग्राफ का हाइट कम हुआ, लेकिन एरिया बढ़ा, लेकिन एरिया बढ़ा, ग्राफ चौड़ा हो गया। ध्यान समझना, हमने तुमको ये बात बोला था ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, उसी को हम समझा रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, ये ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो ये, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले क्या होता है, टेम्परेचर टी है तो बहुत सारे लोगों का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बट वो प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गया लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से कम लोग ही पार कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उनका लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अभी वो पार नहीं किए। लेकिन जब टेम्परेचर राइज करोगे तो उनका मैक्स मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिवेशन एनर्जी को पार करेंगे। समझा नहीं समझा? फिर से देखो, टी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे जैसे मान लो दो टीचर है पढ़ाने वाला, एक टीचर जब पढ़ाता है तो कोई एक बच्चा 99% लाता है, कोई एक बच्चा 99% लाता है। ध्यान समझना, हाई ग्राफ, हाई, एक बच्चा मेरा 99 लाया है। दूसरा टीचर आता है पढ़ाने टी प्लस 10 वाला, तो उसका एक बच्चा जो हाईएस्ट लाता है वो 80% ही लाता है, लेकिन उसके क्लास में 60 बच्चे 80% वाले हैं। ज्यादातर लोगों का एवरेज रिजल्ट अच्छा है, इसमें क्या है, एक टॉप किया बाकी सब फेल हो गए, मतलब कम मार्क आ गए, बहुत कम, 60-70 आ गया, एक टॉप कराया लेकिन उसने, इसमें क्या हुआ, उसने ऐसा पढ़ाया कि टॉपर तो उससे ज्यादा नहीं आया, 99 नहीं आया, 80 ही आया, लेकिन मैक्सिमम लोगों का 80 आ गया, फील हुआ अभी थोड़ा सा। तो टेम्परेचर, ध्यान सुनेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इस ग्राफ से क्या पता चल रही है, देखो कि अगर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। पहली बात, मतलब जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का होता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इधर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यहां पर ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाता था, यहां पर थोड़ा कम लोगों का होगा, 99% लाने वाले यहां पर 4 लोग हो गए, यहां पर 99% लाने वाला कम होगा, मतलब 99% नहीं आएगा, थोड़ा कम परसेंट आएगा, लेकिन एरिया बढ़ गया ग्राफ का, लेकिन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट क्रॉसेस या that have energy more than activation energy increases। ये बात समझा, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, हाईएस्ट रैंकर्स तो नहीं मिले लेकिन पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। तो ध्यान सुनो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब कि जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब जब ये फ्रैक्शन बढ़ेगा, इससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों फास्ट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन फास्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो एक बात सुनेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोला जाता है शॉर्ट में ऐसा। देखो ये फ्रैक्शन दिखा रहा है, ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये जो लिखा है ना इसमें, ये वैल्यू क्या बताता है याद समझ जाओ, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है ज्यादा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले लोगों का फ्रैक्शन को दिखाता है। यानी आपको एक बात तो पता चल गया कि ये वैल्यू, इसको फ्रैक्शन बोलेंगे, ये वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, ये वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। और तुमने अभी पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ता है, रेट बढ़ रहा है, ये देखो। तो हम बोल सकते हैं ऐसा, ये ऊपर का मिटाड है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के, यस। यानी जितना ज्यादातर मॉलिक्यूल लोग एक्टिवेशन एनर्जी पार करेंगे रिएक्शन उतना फास्ट होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर हम रेट के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं तो हम लोग के भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, रेट बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, तो के भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो के प्रोपोर्शनल टू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर यहां पे कांस्टेंट लगा दिया गया क्या ए, तो इस तरह से अरहेनियस इक्वेशन आया। क्या हमने प्रूफ पढ़ाया? नहीं, हमने बस एक वेरिफिकेशन पढ़ाया ग्राफिकल मेथड से, ठीक है बच्चों? थोड़ा सा आपको फील आ गया होगा, नहीं आया तो अब बार बार इसको रिमाइंड करके देखें, ठीक है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई, फिर से एक बार बता दें तो देख लो, एक बार और बता देते हैं, होगा क्या आज खत्म नहीं होगा, फिर लेक्चर सेवेंथ में जाना पड़ेगा सिक्स के बाद, क्योंकि बहुत स्लो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस छोटे से टॉपिक में, और है भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजमिज है। इन्होंने क्या किया कि मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पीछे का टॉपिक पहले पढ़ा, आप कोलिजन थ्योरी बिना पढ़े इसको आएगा नहीं, कोलिजन थ्योरी इसके बाद पढ़ना है। मतलब क्या है, तुम ध्यान के बाद समझ लो केमिकल का, मतलब ज्यादातर चैप्टर्स तुम रिविजन में पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा। अभी पहली बार तुमको 100% फील करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, लेकिन दूसरी बार आओगे ना ऐसा मजा आएगा जैसे हमको आ रहा पढ़ाने में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पूरी चीज हमको पता रहेगा, बेसिक प्लेटफॉर्म पता रहेगा, तो अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसके पहले हमने ग्राफ पढ़ाया था ये वाला, ये पढ़े थे ना, ये ग्राफ क्या बताता था? ये ग्राफ बताता है कि रिएक्टेंट टकरा टकरा के अपना एनर्जी बढ़ाते हैं, और बढ़ा के वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, और रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट बनने के लिए बीच में एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ते हैं, और जितना जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा उतना रिएक्शन स्लो होगा। ये सब चीजें समझ गया, एक्टिवेशन एनर्जी स्पीड डिसाइड करता है। अब यहां पर हमने इसको प्रूफ करने के लिए ग्राफिकल मेथड बनाया है। यहां पे ग्राफ लिया गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल? मतलब जैसे हमने 100 मॉलिक्यूल डाला रिएक्शन करने के लिए, उसमें से 20 लोग प्रोडक्ट बन गए, मतलब उनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गया, यस हो गया ज्यादा, तभी तो प्रोडक्ट बने, या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गया, जो भी बोलो, एनर्जी बैरियर से ज्यादा हो गया। तो एनर्जी बैरियर से ज्यादा हो गया, मोर देन एनर्जी बैरियर भी लिख सकते हो, तो वो ज्यादा हो गया, उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव मोर देन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, ध्यान रखना इसी से फ्रैक्शन निकलेगा। फ्रैक्शन यानी डिवाइड, समझ रहा है? डिवाइड किसको किससे डिवाइड करना है? तो जितने लोग प्रोडक्ट बन गए और जितने लोग भाग लिए थे। क्या जितने लोग भाग लिए थे सब प्रोडक्ट बन गए? तो कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कितना एनर्जी है उनके पास, ये सब अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। तो बच्चों थोड़ी लाइट चली गई थी तो फिर से लिखना पड़ा मेरे को, सब ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, चाहे लेक्चर कितना भी लंबा हो यहीं बंद करना पड़े, चलता है मेरे को, चलता है ना? तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है? रिकॉल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। रिकॉल क्या करना है, सबसे पहली चीज हमने आपको पढ़ाया कोलिजन थ्योरी से कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई भी रिएक्टेंट है उसके पास कुछ एनर्जी होता है, और वो रिएक्टेंट अपना आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करते करते अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, जब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ के एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाए, ऐसा भी बोल सकते ना, बिल्कुल, या थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाए तो वो प्रोडक्ट बन जाता है, ये कहानी आपने पढ़ा।
और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी लगती है जिसको नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तभी वो प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर हो गया। एक्टिव एनर्जी से कम एनर्जी मिलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने अरहेनियस इक्वेशन पढ़ाया, उसका हमने प्रूफ नहीं पढ़ाया, प्रूफ पढ़ना भी नहीं आपको, तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा हम लोग उसका जस्टिफिकेशन देखेंगे। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच, ठीक है, ये जो बढ़ रहा था टकरा टकरा के। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसका फ्रैक्शन लेना है, तो ऊपर लेना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब ऐसे लोग जो थ्रेशोल्ड के से ज्यादा एनर्जी वाले, यानी हम वो प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी जितने लोग प्रोडक्ट बन सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। मान लो 100 लोग प्रोडक्ट बन सकते हैं और 200 लोग टोटल थे, तो 100 डिवाइडेड बाय 200, 1/2, हाफ फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है, ये फ्रैक्शन की बात है। तो वो फ्रैक्शन लिया गया, पहले एक टेम्परेचर टी से लेकर के ग्राफ बनाया गया, तो ऐसा देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादातर लोगों का, ये देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी ज्यादातर लोगों का काइनेटिक एनर्जी बहुत सारा है। एग्जांपल हमने दिया कि एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, उसके क्लास में 99% लाने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन पास बच्चों की संख्या कम है, पास बच्चों की संख्या कम है, ये देखो, यानी जो प्रोडक्ट बना है उसकी संख्या कम है, हाईएस्ट नंबर ला लिया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए खास एनर्जी तक पहुंचना पड़ता, उसको वो पार नहीं कर पाया, अपना एनर्जी बढ़ा लिया लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया, पहले ही मर गया हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले लोगों की संख्या ये ग्राफ बता रही है, यहां पे देखो इतना दूर ये एरिया है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले लोग हैं, वही लोग प्रोडक्ट बने होंगे, इतने लोग ही प्रोडक्ट बने। दूसरा टीचर है जिसके हाईएस्ट रैंकर्स तो कम है, मतलब 99% उसने नहीं लाया, बच्चों को 80% ही लाके दिया, कम ही बच्चे को लाके दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी कम है बेचारे का। ये देखो मान लो इसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 है, उसका 0.5 है, ज्यादातर लोग है, लेकिन उसके ज्यादातर बच्चे पास हुए हैं, पास ज्यादा लोग हुए। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा लोग बहुत सारे हैं, यानी इसके ज्यादातर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन गए हैं, तो किसमें रेट फास्ट होगा रिएक्शन, ऐसे तो डिसाइड नहीं होता ना कि पहले कितना काइनेटिक, जो प्रोडक्ट बनेगा उससे स्पीड डिसाइड होगा ना। तो इसमें ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं T+10 डिग्री पे। तो हमने आपको क्या पढ़ा दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये देखो टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल, ज्यादातर लोगों की काइनेटिक एनर्जी, ओके। बट एक चीज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ है, तो हर जगह फ्रैक्शन की बात आएगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएंगे, यानी प्रोडक्ट बनने वाले लोग की संख्या बढ़ जाएगी, ओके। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा, जी हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो सो वी कैन टेल लाइक दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको सुनना है और इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्या है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी को जब सॉल्व किया गया तो इतना मिला, क्या, E E A/RT, इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, आप समझिए, यानी ये बढ़ गया तो रेट बढ़ा, तो हम इसको ऐसे प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, बिल्कुल, रेट आउट को के लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो ये ऐसा लिख दिए, फिर के इक्वल टू यहां कांस्टेंट आ गया, ये जस्टिफिकेशन हो गया आपका, ये अरहेनियस इक्वेशन का थोड़ा सा जस्टिफिकेशन। बोल दो बच्चों फील हुआ नहीं हुआ, पूरा फील हो गया होगा, दो बार करके पढ़ा दिया यार, किसी वीडियो में भी इतना रिपीट नहीं किए होंगे, आज तक हमने किसी वीडियो में चीजों को पूरा रिपीट नहीं किया है, पर पहली बार किए हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी बात है इस टॉपिक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अरहेनियस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। देखिए दो बार लाइट चली गई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, बट हम क्यों माफी मांग रहे हैं यार, मेरी गलती से थोड़ी लाइट गई है, ये बारिश तूफान का दिन है, कभी भी लाइट टपक जाता है जैसे। तो अगला हेडिंग लगाएंगे अरहेनियस इक्वेशन सिंपलीफाई वर्जन में, ठीक है, तो मार्कर भी खत्म होने के कगार पे है, तो थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें, तब तक आप वीडियो पॉज करिए। अरहेनियस इक्वेशन, तो हमने आपको अरहेनियस इक्वेशन में थोड़ा सा समझा दिया है कहां से आया था, K = AE^-EA/RT, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, और ये कॉन्स्टेंट है और ये रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग लॉग दोनों तरफ लगा रहे हैं,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग नहीं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग टू द बेस ई यानी एलएन, लॉग टू बेस ई यानी एलएन, यही साइंस में प्रयोग होता है, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाते। तो एलएन के इक्वल टू एलएन ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में। सबने लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि लॉग में जब दो लोग मल्टीप्लाई में है तो प्लस में तोड़ देते, तो एल एन ए प्लस एल एन ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। लॉग में एक और प्रॉपर्टी है कि पावर सामने आ जाता है, लॉग का पावर कहां जाता है, सामने, तो ये सामने आएगा तो माइनस हो जाएगा। एल एन ई वन क्यों वन, तो लॉग टू दी बेस ई है एल एन मतलब ई ई, ये दोनों सेम है तो वन, याद होगा आपको लॉग टेन भी हमने वन लिखा होगा, क्यों, ये दोनों टेन टेन हुआ तो वन, तो ये वन हो गया। तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब इससे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ भी बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में लिखते हैं, देखो तो ऐसा लिखेंगे एल एन के इक्वल टू, इसको सामने ले लो, माइनस ई ए आर अपॉन वन बाई टी और प्लस एल एन ए। अब इसको कंपेयर करो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, हमने सब लिख दिया है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये स्लोप है, ये सी है, तो ग्राफ बना लेते फटाक से, बहुत बार बनाया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा एल एन के और वन बाई टी के बीच, दिख रहा है एल एन के और वन बाई टी, ऐसा बनेगा निगेटिव स्लोप, क्यों निगेटिव, ऑप्टिव एंगल, ऑप्टिव एंगल बनेगा क्योंकि निगेटिव स्लोप है, स्लोप निगेटिव तो ऑप्टिव एंगल, स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर, और वाई एक्सिस पे टुकड़ा कितना होगा एल एन ए, ठीक है। बाद में हम लोग एक और ग्राफ बनाएंगे लॉग में भी, ये एल एन में बना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको लॉग में बनाते हैं, तो लॉग में बनाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 बन जाएगा लॉग के, ये भी हो जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, 2.303 से सबको डिवाइड, पहले भी हमने कहीं किया है, सबको 2.303 से डिवाइड, तो ये 2.303 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा लॉग के, इसको भी डिवाइड करो तो क्या बचेगा लॉग ए, और इसको भी करो तो डिवाइड में आ जाएगा, वहां कटेगा नहीं, तो ई ए अपॉन 2.303 आर टी। फिर यहां से ग्राफ बना सकते हो, यहां से फिर से ग्राफ बना सकते हो, तो यहां से फिर से एक ग्राफ बना लो y बराबर एम एक्स, इसको एम एक्स मानना है, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, याद रखो इससे कंपेयर करो, यही चेंज कर देते हैं, देखो आप यहीं पर हम चेंज कर दें, यह हो जाएगा log के, यह हो जाएगा 2.303 आ जाएगा, और यह हो जाएगा log a, बस इतना ही चेंज, ln को log बना लें, ln को क्या बना ले बच्चों log, और स्लोप में लगा ले 2.303, बस खत्म। फर्स्ट ऑर्डर में मिला होगा आपको, मिला है ना, यस, ये दूसरा ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से, ये हो गया, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, अब इसमें ए का वैल्यू पता नहीं है, तो ए को हटाने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन अलग अलग टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, मेरे पास कोई एक रिएक्शन है तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो एट टी वन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, रेट कांस्टेंट, क्या चेंज होता है, रेट कांस्टेंट, एट टी वन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज के वन, और एट टी टू टेम्परेचर रेट कांस्टेंट चेंजेस टू के टू, ठीक है। टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, तो अब इस इक्वेशन को चेंज करो, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलता है टेम्परेचर से, यह बात क्लियर हो गया ना, यस।
एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलता है, ए नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, के बदलता है, टेम्परेचर से के बदलता है। ओके, तो अब इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, तो पहले इसके लिए लिखते हैं फॉर टेम्परेचर टी वन, टी वन टेम्परेचर के लिए रेट कॉन्स्टेंट जो है उसका वैल्यू के वन होगा। टेम्परेचर कम, रेट कॉन्स्टेंट कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ज्यादा, रेट कॉन्स्टेंट ज्यादा। इसको ऐसा लिखेंगे लॉग के वन इक्वल टू लॉग ए, ये चेंज नहीं होगा, माइनस ये भी चेंज नहीं होगा, ये अपॉन 2.303 आर टी वन, इक्वेशन नंबर वन। अब आगे फॉर फॉर टेम्परेचर टी टू, टी टू टेम्परेचर के लिए रेट कॉन्स्टेंट कितना है बताओ, रेट कॉन्स्टेंट इज के टू, रेट कॉन्स्टेंट इज के टू, तो कितना हो जाएगा लॉग के टू इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। अब क्या करो, सेकेंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पर देखो हम फर्स्ट नीचे लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो बड़ा है इसीलिए बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसा लिखे और सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज, ये कट गया तो क्या बचा लॉग के टू माइनस लॉग के वन, सही है, यस। यहां पर क्या बचा ध्यान से देखेंगे, पहले माइनस वाला बचा इक्वल के बाद माइनस, या पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख ले क्या प्लस में है, यस, ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन, फिर माइनस ये वाला माइनस, ये तो प्लस हो गया साइन चेंज होके, ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। चलो लॉग में माइनस होगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा लॉग के टू बाई के वन, लॉग के टू बाई के वन। अब इसमें कॉमन ले लो, ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन, और क्या बचेगा 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, इसको ऐसा क्रॉस कर दो, कहानी खत्म। ये ऐसा हो जाएगा टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे, इस पे भी न्यूमेरिकल है, इस पे भी न्यूमेरिकल है, दोनों ध्यान से देख लो। अगर क्वेश्चन में ए दिया है तो ये इससे बनाना, अगर क्वेश्चन में के वन के टू या टी वन टी टू दो टेम्परेचर दिया है तो इससे बनाना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, आर छूट गया, यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, आर का वैल्यू हमेशा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज होगा, याद रखना एकदम दिमाग में बात डाल लो, यहां भी और यहां भी, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी में आर का जूल वाला ही वैल्यू चलेगा, ठीक है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कभी भी। ओके चलिए, तो हम आप उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर यही खत्म करना पड़ेगा बच्चों, अगला लेक्चर छोटा सा होगा लेकिन अच्छा होगा, रिवीजन होगा उसमें सातवां, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया अर्हेनियस इक्वेशन को समझाने में, वो ग्राफ राफ तो चलता है, कोई बात नहीं है, मकसद मेन है समझाना, लेक्चर चाहे कितने भी आ जाए, तो लास्ट लेक्चर इसके बाद आएगा, हमने बोला था आज होगा लास्ट बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, और असाइनमेंट रेडी है, तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आपको फटाक से असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक ले आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।